ये बीच में दिख रहा है जो ये चाइना है। आज हम लोग जा रहे हैं भाई किबीतू की तरफ। किबीतू इंडिया साइड से इंडिया चाइना बॉर्डर पे लास्ट टाउन है। वेलकम टू चाइना हो गया भाई हमारा। हूँ तो इंडिया में लेकिन देखो मेरे को मैसेज आ रहा है वेलकम टू चाइना। किबीतू में क्या करते हैं? काहो साइड से हम लोग चाइना भी देख सकते हैं। ये इसी रोड गेट के बगल से देख सकते हैं क्या आगे जाके? ये बड़ा खतरनाक है पुल। लोग भी भागेगा इधर भाग के आएगा, कोई उधर भागेगा वो तो पत्थर उड़ेगा। तो भाई क्या रास्ते हैं ये? किबीतू के बाद हम लोग जाएंगे भाई काहू की तरफ, लास्ट चेक पोस्ट। इससे आगे नहीं जाने देंगे शायद। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि भाई हम लोग नामती में रुके हुए थे। नामती में हमने रात को नाइट कैंपिंग करी थी और सुबह उठ के मैंने आपको नामती का वॉर मेमोरियल दिखाया था और आपको चाइना की और इंडिया का जो वॉर हुआ था 1962 में उसकी हिस्ट्री दिखाई थी। अगर आपको आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी भाई 1962 का इंडो चाइना वॉर के बारे में। बाकी आज हम लोग जा रहे हैं भाई किबीतू की तरफ। किबीतू इंडिया साइड से इंडिया चाइना बॉर्डर पे लास्ट टाउन है, मतलब उसके आगे फिर IDBP लग जाता है और इंडियन आर्मी लगी हुई है, उसके आगे नहीं जाने देते हैं और उसके आगे नो मैन लैंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे ना तो हमारी आर्मी है ना ही चाइना की आर्मी है। लगभग 30-40 किलोमीटर का एरिया है। किबीतू के बाद हम लोग जाएंगे भाई काहो की तरफ। काहो लास्ट विलेज है, मतलब काहो साइड से हम लोग चाइना भी दिख सकते हैं। वैसे दिखेगा किबीतू साइड से भी लेकिन काहो से ना चाइना की जो सेटलमेंट है कुछ गांव वगैरह विलेज वगैरह वो भी दिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डोंग वैली की तरफ क्योंकि कल हम लोगों को डोंग वैली जाना है। डोंग वैली फेमस है भाई अपने फर्स्ट सनराइज के लिए, वहां पे लोग सनराइज देखने के लिए आते हैं भाई। तो कल अपन लोग भी जाएंगे तो उसके लिए हमको आज डोंग वैली में पहुंचना पड़ेगा। तो आज की जो हमारी कैंपिंग है ना नाइट वो डोंग वैली में रहेगी। अभी मैं जा रहा हूँ गर्म पानी और बीच में जो नदी दिख रही है आपको ये बड़ी वाली नदी, नीचे ये वाली नदी क्रॉस करके मेरे को उस तरफ जाना है। फिर उस तरफ से एक रोड है, उस रोड से होते हुए मैं किबीतू पहुँचूँगा। शायद ये वाला रास्ता है गर्म पानी में जाने का, डोंग रिजॉर्ट। ओके ये है डोंग रिजॉर्ट। इधर तो कहीं भी कैंपिंग कर सकते थे, भतेरी जगह है कैंपिंग के लिए। ठीक है भी वही रिजॉर्ट है क्या? यहाँ से किबीतू जाने का रास्ता कहाँ से है? ऊपर वाला रास्ता तो बंद है, कह रहे हैं 12:30 बजे खुलेगा। इधर से भी कोई बता रहे थे कि ब्रिज क्रॉस करके रास्ता है कोई, पर रास्ता का कंफर्म नहीं बता सकते। जाता है कि नहीं जाता है कह रहे हैं, बाइक चला जाता है, चला जाएगा भाई? ओके ये रास्ता है क्या? छोटा सा पगडंडी है, वैसे पैदल चलने का रास्ता है। खतरनाक रास्ते हैं। भाई क्या रास्ते हैं ये, भाई खतरनाक है, देखी जाएगी। चलो ओ मजबूत तो है थोड़ा ना, बाइक हिलेगी बहुत ज़्यादा और मेरी बाइक भारी भी है, सेंटर में जाना पड़ेगा बिल्कुल यार। चलो चलते हैं, जाता है स्कूटी से बाइक। चलो आप निकालो, आपके पीछे पीछे हम निकालेंगे, जाएगा ना, हिलता तो नहीं है। चलो भाई को जान दो पहले, ये भाई जब क्रॉस कर लेगा उसके बाद जाए। अरे आराम से जा रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ला भाई धर दिए कदम, सेंटर सेंटर में चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, नीचे नहीं देखेंगे भाई, नीचे देखते हैं ना, बाइक इधर उधर भाग रही मेरी। रास्ता कहाँ है? ओए भाई ये कैसा रास्ता है, हे भगवान। चल बाइक ने इज्जत बचा ली। ओश लेकिन अब जाना कहाँ है? गॉड रोड आ गई और हम डोंग में आ गए। यहीं से कहीं से ट्रैक स्टार्ट होता होगा डोंग वैली का।
अरे भाइयों ने हद देख रोका है, क्या हो गया? हमारे पास फोन पे में पैसा है, आपका पास लिक्विड है तो दे दो। यहाँ ऊपर जाने के लिए वो लिक्विड पूछ रहा था। मेरे पास भी नहीं है। नहीं है। मैं भी बड़ी मुश्किल से मैंने किसी से ऐसी मांग मांग के दिया नीचे। अभी यहाँ भी मांगने के लिए आया, वहाँ भी। यहाँ क्या है? हाँ, लिक्विड कैश मांगने के लिए। अच्छा, ऊपर जाने के लिए? हाँ, ऊपर जाने के लिए। यही से ट्रक स्टार्ट है? हाँ, वहाँ से। तो आप लोग अकेले जा रहे हो क्या कि गाइड लेके? हाँ, गाइड से जा रहे था। अच्छा, गाइड को भी पूछा, आपको फोन पे कर देता, वो नहीं बोल रहा, लिक्विड ही चाहिए, लिक्विड लेके। आप लोग कहाँ से हो? हम तेलंगाना हैदराबाद। अरे वाह, कितना रुपए लेते हैं गाइड? 1500। अच्छा, तुम लोग ज्यादा हो इसलिए बोल रहा होगा 1500 ना। अच्छा, 500 रुपए एक बंदे का बताते हैं कि 500 रुपए एक बंदे का लेते हैं। ये सारे ना पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जैसा मैं भी लास्ट मिला था ना किशन भाई, तो ये सारे किशन के दोस्त हैं और है हैदराबाद के। यहाँ से स्टार्ट होता है शायद ट्रैक। वेलकम टू द मिलीनियम फर्स्ट सनराइज टूरिस्ट एडवाइजरी। ओके, डोंट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर। चलो। हाँ की भी तो ये डोंग वैली का रास्ता है, आप क्या गाइड है? अच्छा, कल आएगा मैं तो। ये है भाई साहब, यहाँ से डोंग वैली का रास्ता स्टार्ट होता है। तो भाई बता रहे हैं कि रोटेशन लगता है, जैसे आज मेरी बारी तो कल किसी और की बारी होगी। भाई इस जगह पे नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आ रहा है एयरटेल का, बाकी उस तरफ नहीं था, निमिती साइड नहीं था। मेरे को यार यहीं आना चाहिए था कल, इतनी बढ़िया बढ़िया जगह कैंपिंग की, डोंग कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। छोटा सा गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन इन लोगों पे प्रॉपर्टी अच्छी है भाई, ज़मीन अच्छी है, लेकिन खेती वगैरह ज़्यादा लोग करते नहीं है मुझे लग रहा है यहाँ पे। यार ये फिर नदी पार करनी पड़ेगी क्या? अरे वाह, क्या कमाल लग रहा है यार। थोड़ा दूर है, इस वजह से इतना कुछ बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब खतरनाक। अब केबी तू जाने के लिए फिर से एक बार हमको ये लोहित रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा भाई। भाई बड़ा खतरनाक है पुल, बीच में से नहीं चलते यार, इस पे से चलते हैं, बीच में थोड़ा रिस्की हो सकता है। ओश, इसमें स्लिप कर रहा भाई, ये फटेगा क्या अभी? ये इधर भी आ गया अभी। 2 मिनट भाई, 2 मिनट। वो बड़ा हो रहा है, बट पता नहीं रास्ता ब्लॉक नहीं हो रहा। यहीं पे हो रहा है क्या? हां, वो आ गया। चालू है कि फिटिंग कर रहे हैं अभी? फिटिंग तो बांध रहा है भाई, जला देगा भाई, हो गया। हां, जल्दी 5 मिनट भाई हो जाए। कितना आगे हो रहा है देख सकते हैं जाके? ऐसा देख सकते हैं क्या आगे जाके? वो लोग भी भागेगा, इधर भाग के आएगा, कोई उधर भागेगा, वो तो पत्थर उड़ेगा तो आदमी को। वो देख सकते हैं कैसे लगाते हैं ब्लास्टिंग, वो तो अभी फायरिंग करने वाला है। अच्छा, अभी है ना लोग वहाँ पे? हाँ, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक, मेरे को देखना था ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, मेरे को देखना नहीं ना मैंने कभी। इधर हो रहा है और आगे हो रहा है। ओके भाई साहब, ब्लास्टिंग हो गया, मैं उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था, बड़ा भयंकर इको आया है। जाएं तुम लोग किबीतो जा रहे हैं? किबीतो कहो का तो वो वाला रास्ता है। ब्लास्टिंग कर करके रोड आके ऐसा तैसी हो गया है भाई। ओहो, कहाँ हुआ ब्लास्ट भाई? संभाल के, बहुत स्लिपरी हो रखी है रोड। क्या हो गया अंकल जी, रास्ता वैसे बंद हो गया? पत्थर उड़ के आया ना। अच्छा, पत्थर उड़ के आया, तो अभी जो ब्लास्टिंग हुआ है ना उसका मलबा पड़ा हुआ है रोड पे, तो वो हटा रहे हैं अब। सो भाई अभी पता है मैं हूँ तो इंडिया में, लेकिन देखो मेरे को मैसेज आ रहा है, वेलकम टू चाइना टेलीकॉम चाइना, यू विल बी एबल टू एंजॉय कॉलिंग डेटा एंड सिम सर्विस। तो यहाँ पे क्या हमारा जियो का रोमिंग लगेगा क्या अब? वेलकम टू चाइना हो गया भाई हमारा, जियो SVC, SVC शायद कोई चाइना का ब्रांड है क्या? चलो चले की भी तो यही हो रहा क्या भाई ब्लास्ट? हैप्पी दिवाली हो जाती यार हमारी, एक शॉट मिल जाता तो इनसे बोलूँ कि एक बार मुझे लगाने दो, हम दिवाली मना लेंगे। अभी सीन क्या है ना कि वो जो मैं लास्ट पुल क्रॉस करके इधर को आया था ना इस रोड पे, तो उसी रोड पे सीधा सीधा था काहो,
ठीक है, मेरे को अगर कहो जाना है तो मेरे को घूम के वापस आना पड़ेगा अगर बाइक लेके जानी है। किबी तो किधर है और ये नीचे वाला रोड किधर जा रहा है? इधर सामने। ओके भाई, लोगों ने हमें रास्ता बना दिया हमारे लिए, थैंक यू भाई। वेलकम टू काहो वाइब्रेंट विलेज, जनरल विपिन रावत द्वार। आई लव किबीतू। ओके गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं किबीतू में, और किबीतू तो वैसे अभी ऊपर है, ये यहाँ से रास्ता जा रहा है किबीतू के लिए। यहाँ पे आई लव किबीतू का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है विपिन, जनरल विपिन रावत CDS का। तो उन्होंने जब पहली बार कमांड संभाली थी ना किसी यूनिट की, तो उनकी यूनिट उस टाइम पे यहाँ पे थी, GR मतलब गोरखा रेजिमेंट होता है ना, तो यहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ से सामने चाइना दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा चाइना की। जब 1962 में वॉर हुई थी ना, तो वॉर के टाइम पे जो यहाँ के लोकल्स थे, तो यहाँ से छोड़ छोड़ के आगे की तरफ को चले गए थे वलांग साइड में। वैसे भी किबीतू के बाद में मेरे को काहो जाना है, तो काहो जाने के लिए ये वाली रोड है, ये रोड लेके मैं काहो जाऊंगा। और यहाँ पे एक गाँव पड़ता है, इसको गोम्पा बोलते हैं, गोम्पा के आगे काहो पड़ेगा, तो अभी यही वाला रास्ता मेरे को लेके जाना है, ठीक है। और ये सामने देख रहे हो ना, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो थर्ड वाला माउंटेन है, यहाँ तक हमारी रेंज है, मतलब यहाँ तक इंडिया है। इसके बाद का जो आगे माउंटेन है, इस तरफ जो देख रहे हो ना, ये बीच में दिख रहा है जो, ये चाइना है। और यहाँ पे कुछ इनके सेटलमेंट भी है शायद, कुछ वाइट वाइट कुछ बना हुआ है इनका, तो है मतलब थोड़े थोड़े वाइट वाइट, ये देख रहे हो, ये कुछ उनकी चौकी वगैरह होंगी, तो ये घर बने हुए हैं इधर। इस वाली पोस्ट का नाम पहले किबीतू गैरिसन था, लेकिन बाद में जनरल विपिन रावत जी के नाम पे ना इस जगह का नाम जनरल विपिन रावत गैरिसन हो गया था। और यहाँ पे ना हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट के दो भाई लोग मिले थे जहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा था ना, तो उनको नहीं लिया मैंने वीडियो में, क्योंकि उनको नहीं ले सकते हैं। बाकी यहाँ से व्यू बड़े अच्छे हैं यार। किबीतू तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इनका गांव किधर है वो नहीं पता लग रहा, इस तरफ होगा। हेलो सर, गाइज हम लोग ना किबीतू विलेज में आ चुके, और यहाँ पे आके ना एक बेकरी मिली, और ये बेकरी मतलब आर्मी और सिविल ऐसा मिला के चला रहे हैं। यहाँ पे एक ना पिज्जा मिला, पिज्जा वीजा खाते हैं, उसके बाद कुछ लोगों से बात करेंगे और निकलेंगे अभी यहाँ से वापसी, ठीक है। चलो आपको बेकरी ना अंदर से दिखाते हैं, अंदर से कैसी दिखती है। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सो भाई बेकरी से पिज़्ज़ा विज़ा खा के अब मैं निकला हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, मतलब पूरे किबीतू में ना 17 घर है, और इन 17 घर में मेनली मेयर ट्राइब के लोग रहते हैं, तो कुछ कुछ घर बने हुए। और ये जो लोग हैं ये सारे बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे 17 घर बुद्धिस्ट के हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे ना सेटलमेंट की गई है, नेपाली लोग भी यहाँ पे हैं काफ़ी टाइम से, जो लोग यहाँ पे पोर्टर का काम कर रहे हैं उनको, मतलब थोड़ा सा गाँव के नीचे नीचे वो लोग रहते हैं। वो बेकरी थी, बेकरी पर भी नेपाली लोग थे, बाकी ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा सा यार। मेडिकल सब सेंटर, ये वाला जो गांव है ना, ये पहले ना नीचे की तरफ को हुआ करता था, बिल्कुल नदी के पास में, मतलब ये जो मेयर ट्राइब के लोग हैं वहाँ रहते थे, यहाँ पे बस आर्मी थी। तो होता क्या था, जब मौसम ख़राब होता था, रास्ते ख़राब हो जाते थे, तो आर्मी हेलीकॉप्टर से ना खाना मंगाती थी, तो इन लोगों को भी देती थी। तो वो खाना लेने के लिए जब ये लोगों को आना पड़ता था ना ऊपर तक, तो उनकी बहुत हालत ख़राब होती थी, कई बार इनको रास्ते नहीं मिलते थे ऊपर तक आने के। तो फिर धीरे धीरे इनको गवर्नमेंट ने बोला, आर्मी ने बोला कि आप लोग ऊपर ही सेटल हो जाओ, ठीक है। तो तब से ये लोग ऊपर ही रह रहे हैं। बस भाई गांव इतना सा है, छोटा सा है। मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे हो वो RTPP का गेट है, उसके आगे मतलब गांव खत्म है, बस गांव इधर इधर तक है। लगभग गिनती के 17 घर हैं इस गांव में, मतलब 17 फैमिली। बाकी यहाँ के नेटिव लोगों से ज़्यादा यहाँ पे बाहर के लोग रहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, ठीक है, बाकी आर्मी की पोस्ट तक जो सामान लेके जाते हैं, तो वो पोर्टर हो गए, और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रिफ के साथ में या BRO के साथ में काम कर रहे हैं, असम के लेबर, झारखंड के लेबर, बिहार के लेबर, वो सब यहाँ पे हैं। तो उन्हीं लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ के नेटिव लोगों से। बाकी ऐसे ही है, थोड़े थोड़े घर हैं यहाँ पे। ओके गाइस, निकलते हैं यहाँ से। किबीतू बेकरी 2022 में खुली है, अभी 2 ही साल हुए हैं इसको।
ऊपर जितने भी पहाड़ देख रहे हो, चोटियां देख रहे हो ना, इन सब चोटियों पे हमारी आर्मी बैठी हुई है ऊपर ऊपर जाके। अभी मेरे को काफी सारे सोल्जर्स मिले यार, उन्होंने सबने मेरे साथ में फोटो वगैरह खिंचवाई, ठीक है। और वो सारे लोग मतलब ऊपर ऊपर चोटियों पे बैठे हुए हैं, और अभी नीचे सामान वामान खरीदने को शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, तो अभी वो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के। मेरे को अभी तक कोई लोकल बंदा ऐसा मिला नहीं जिससे मेरी बात हो पाई। ओके सर, हाँ ये वाला रोड नहीं जाता काओ, ये ब्रिज पार करते। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ आप इधर के लोकल? हाँ। नमस्कार, क्या नाम आपका? राहुल तुलंग। राहुल तुलंग, आप क्या हो? वालों के हूँ। वालों के? वालों के मतलब? वालों से। अच्छा, वालोंग से हो? हाँ। तो आप बुद्धिस्ट? नहीं नहीं नहीं, हम तो इंडिजिनस है। अच्छा, नहीं आपके हाथ में वो कलावा देखा ना मैंने, तो मानता है। मानता है? हाँ। मतलब ये कलावा आप लोग किस बिलीफ पे बांधते हैं? ये तो हम लोग, ये हिंदुज्म नहीं है क्या? हाँ। हम लोग का ये पंडित वंडित लगा देते। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग का भी वैसा ही है। अच्छा वैसी है, मैंने देखा ये रीति रिवाज को मानता है, पहाड़ को मानता है, सूरज नदी पानी। हाँ, हमारा भी वैसे सेम होता है। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से। हाँ जी हाँ जी, सुना आपने उत्तराखंड? अरे आप कौन से ट्राइब के हैं? मैं मिश्मी। मिश्मी, आपका वो तलवार का है? मिसी वाले तो तलवार लेके रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बढ़िया। कब से आए आप? मेरे को तो 4 महीने हो गए। 4 महीने नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, अकेला? और हाँ, अरुणाचल में अभी 7-8 दिन हो रहे हैं। वक्का? वक्का मेन मेन बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर में एक वक्का, एक ऊपर लाजू, फिर तेजू से होता हुआ इधर आया। तो यहाँ से? अब यहाँ से रोनिन होता हुआ अनिनी, अनिनी जाएंगे ना, फिर वही वाला अनिनी, और ऐसे ऐसे कई सारे हैं ना रूट, थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? बस चढ़ा, आपका मेहरबानी। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। आप भी मिश्मी? क्या करते हैं? ऐसे ही बस गया था घूमने के लिए। होगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वातावरण भी, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा ना अभी इंट्रैक्शन हुआ नहीं लोगों से, इसलिए मैं रोक के मैंने आपसे बातें करता हूँ। मैंने कहा बातें करते हैं मिश्मी ट्राइब से, मेरा ज्यादा इंट्रैक्शन हुआ नहीं। ये तो अलग से समझ में आ रहा है, ये लेबर लोगों की बस्ती है, जो ये लेबर लोग है ना उनकी बस्ती है, क्योंकि सारा ये देख रहे हो टीन टप्पर से बनाया हुआ है, जो बड़े बड़े ड्रम आते हैं ना तारकोल वारकोल के, उन ड्रम से बनाए हुए हैं सारे घर इनके। ये सारे लोग वो हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, देखो पूरा इनका बस्ती, मतलब नेटिव लोगों के घर से ज़्यादा इनके घर हैं भाई, नेटिव लोगों के 17 घर हैं बस, और इनके कितने सारे घर हैं, टावर भी लगा हुआ भाई इधर तो। ज़रा देख लूँ भाई, दिवाली की वीडियो तो डाल दें हम। गाइस, अब लोग केबूतू से हम लोग निकल रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से काहो विलेज की तरफ को, और ये नीचे देखो इन्हीं रास्तों से होते हुए मुझे काहो विलेज जाना। अब काहो विलेज जाने के लिए ना वो रास्ता है सामने, वो रोड देख रहे हो, ये वाली रोड होते हुए मैं काहो विलेज में जाऊँगा। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को पीछे जाना है, ये रोड से होते हुए पीछे को जाना है, फिर यहाँ पे कहीं पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके मैं इधर इस रोड पे आऊँगा, फिर इस रोड से होता हुआ है सीकर के मैं काहो जाऊँगा भाई, ठीक है। बाकी ना यहाँ पे केबूतू में कुछ ऐसा ना कल्चरल नहीं है, मतलब यहाँ पे इतने घर भी नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, तो कुछ देखने को ऐसा मिला नहीं, ना किसी से मेरी बात हो पाई, ठीक है। बाकी सुना है कि काहो में काफ़ी कुछ है, काहो प्रॉपर विलेज है ये, तो ना एक सेटलमेंट है, मतलब कि लोग आके यहाँ पे बसे हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो इसलिए कुछ ना वो गांव वाली पूरी वाइब नहीं आई, लेकिन काहो एक्चुअल में गाँव, तो वहाँ पर पूरा गाँव वाली वाइब आएगी, तो काहो में मज़ा आएगा। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। ये दिवाली हमारी मनाई जाएगी द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया में, द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके गाइज, मेरे को अगर हाईवे पे जाना है तो इधर से जाना है, इधर से हाईवे है, और इधर से काहो और मुशाई डोंग, तो हम डोंग तो नहीं जाएंगे, हम मुशाई होते हुए काहो जाएंगे।
तो आ गया भाई काहो मुशाई एंड डिचू, इस तरफ है और इस तरफ है डोंग वैली एंड तिनाई। तो हमको जाना है भाई काहो, काहो लास्ट विलेज होगा भाई इंडिया साइड से। और अभी सबसे पहले जो विलेज पड़ेगा वो पड़ेगा मिशाई, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर। भाई यहाँ पे पता है कि अलग अलग रेजिमेंट है, जैसे कुमाऊं है, बिहार है, सिख भी है, और अभी आगे इस तरफ पता नहीं कौन सी रेजिमेंट मिलेगी। और सब लोग ना दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बढ़िया पंडाल पुंडल लगाया हुआ है, पूजा वगैरह हो गई है इनकी, और अब बस अब खाना पीना होगा। ओ भाई बढ़िया, ओ वाह, इन्होंने गेट बना रखे हैं ऐसा चीड़ के पेड़ के गेट ना हमारे यहाँ होते हैं उत्तराखंड में। तो गैस हम लोग मिशाई विलेज में अंदर आ गए हैं, और यहाँ भी ना मेरे को बुद्धिस्ट ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट फ्लैग वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मेरे को किसी ने बोला था कि काहो तक की जो रोडें हैं वो अच्छी नहीं है, यार काहो की रोडें अच्छी हैं। ओके गाइज हम लोग काहो पहुंच चुके हैं, काहो फर्स्ट विलेज, ठीक है। बाकी सामने वो चाइना है शायद, हम चाइना के बहुत पास आ गए यार। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? हिमाचल से? नो नो, आई एम फ्रॉम हिमाचल, एज ऑफ नाउ कमिंग फ्रॉम मोलांग। ओके, व्हाट अबाउट यू? आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ऑल ऑन बाइक? यस। ओके गाइस हम लोग काहो में पहुंच चुके हैं, और ना काहो में एक आगे एक वो है बैरियर है, वो बैरियर तक हम लोग जा सकते हैं, उसके आगे हमको जाने नहीं देंगे, तो वहां तक चलते हैं पहले जहां तक जाने देते हैं, ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। टॉप बॉक्स है ना, टॉप बॉक्स दोबारा से नीचे चला गया है, मतलब डाउन हो गया है, उसको दोबारा से सही करना पड़ेगा यार। अभी तो मैंने रस्सियों से बांध दिया, मेरे पास कुछ रस्सी पड़ी थी, अगर रास्ते में कहीं गिर गया मेरी बैंड बच जाएगी। यही है शायद लास्ट चेक पोस्ट, इससे आगे नहीं जाने देंगे शायद, देखते हैं। वही यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, आज मैं नहीं भाई लोगों के साथ में रुकूंगा। ये तो खाना पीना खा लिया लग रहा है, क्या हो रहा है? अभी अभी पहुंचा, यहाँ से आगे जाने नहीं देते, नहीं देते। तुम लोग गए हो कभी? गया था अभी। अच्छा, गया था, पूछे था, नहीं जाने देते। नहीं, तुम तो यहीं क्यों? पता नहीं। के खाना पीना हो गया? ओके गाइस, काहो विलेज में ना, यहाँ पे भी ना जैसे नागालैंड में था ना गांव बूढ़ा वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ भी है, गांव के जो चीफ होते हैं गांव बूढ़ा, तो उनके पास जा रहा हूँ मैं भी उनसे परमिशन लेने के लिए कि कैंप लगा सकते हैं गांव में कि नहीं, अगर वो बोलेंगे ठीक लगा सकते हैं तो यहाँ रुकेंगे, अगर वो मना करेंगे तो यहाँ से आगे मिशाई मुशी जो विलेज है ना उधर की तरफ चले जाएंगे, फिर वहाँ ट्राई करेंगे कैंपिंग का। ओके गाइस, वैसे तो ना मेरे को ना यहाँ पे काहो में ना रुकने की परमिशन मिल चुकी है, जो यहाँ के गांव बूढ़ा है ना उन्होंने बोल दिया है कि आप कैंप कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसी जगह पे करना जहाँ पे दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने कहा कि ठीक है। बाकी है क्या ना कि अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कैंपिंग करने से अच्छा कल मेरे को सुबह तो जाना ही है किधर, डोंग वैली, तो कल मैं सुबह ना परेशान हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना मैं डोंग जाता हूँ, डोंग में कैंपिंग करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ से निकल ही रहे हैं तो गोम्पा देखते हुए चलते हैं, यहाँ पे एक गोम्पा बना हुआ है, तो काहो विलेज का गोम्पा देख के फिर आगे को निकलेंगे, ठीक है। भाई साहब ये ना गोम्पा बना बढ़िया जगह रखा है, मैंने ना गांव बूढ़ा से ना यहाँ पे परमिशन मांगी थी रुकने के लिए कैंपिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया,
कहते कि यहाँ नहीं रुक सकते यार, यहाँ पे बिल्कुल चाइना सामने है, ठीक है, यहाँ पे अफसर वगैरह आते रहते हैं तो हम आपको जगह देंगे यहाँ पे, तो वो नाराज़ होंगे हमसे। मैं कहा ये बढ़िया है, कोई बात नहीं। यह है सामने काहो विलेज, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है भाई। बाकी पता है ये जो सामने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड रिज है ना, उस थर्ड रिज के नीचे आप यहाँ पे हो गए ना, जहाँ पे है चाइना, ठीक है, रात के टाइम पे ना वहाँ पे लाइट वगैरह जलती है तो यहाँ से दिखता है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से रात के टाइम पे रात का व्यू देखने आते हैं चाइना का, ठीक है। बाकी निकलते हैं यहाँ से, ये जगह बड़ी खूबसूरत जगह बना रखी है भाई। दादी नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हैं, ओके, नमस्कार। मैं दिल्ली से आया, हाँ जी, मैं अब जा रहा है वापस, हाँ जी, कहाँ बैठा था? कल तो मैं पीछे बैठा था, हाँ जी हाँ जी, आज का वही बैठेगा, हाँ उधर डोंग में बैठेगा, डोंग में बैठेगा, हाँ डोंग जाने ना सुबह ऊपर वैली, ऊपर देखने जा रहा हूँ, हाँ इसीलिए अकेला। अच्छा आंटी जी, अच्छा। नमस्कार, पगोड़ा अभी बंद है गोम्पा? आंटी जी परिक्रमा लगा रही हैं गोम्पा की। ओके गाइस, मैं काहो से निकल गया हूँ और काहो से निकल के हम जा रहे हैं डोंग में। ओके गाइस, हम ना भैया के भाई जी के घर पे आ गए। आपका नाम? डला डला, डी ए एल ए, डला डला, ओके, मेयर, डला मेयर, तो ये भी एक गाइड है, तो कभी अगर आप आओगे यहाँ पे तो ये भी आपको मिल सकते हैं लेके जाने के लिए। यहाँ पे रोटेशन चलता है ना, ड्यूटी चेंज होता रहता है, एक दिन किसी का, एक दिन किसी का, गाँव में अलग अलग, 7 दिन में एक बार ड्यूटी आता है ना, ड्यूटी 7 दिन में एक बार आता है, एक बार होता है। अच्छा चलो, ये भाई का घर है, भाई के भाई का घर है, तो हम लोग यहीं पे कैंप करेंगे उधर ऊपर, है ना, ठीक है। तो अभी उनसे बात करना है भाई से, उनसे तो मेरा भाई जब आएगा ना, आप यहीं बैठने से हो जाएगा, वो बात करने में जरूरत नहीं, आप स्टे लगा सकता है उसमें। और खाने का? और खाने के लिए तो उसको बता देता हूँ, इसको लुको को, लुको शाम को ना यही खाने खिलाओ, हाँ इसको पैसा देगा, और यंतन को बता दे एक आदमी है यहाँ सोएगा आदमी को। ओके गाइस, कैंपिंग की जगह तो अपनी हो चुकी है, और अभी ना मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे क्या होता है कि ना गाइड डेली अलग अलग गाइड होता है, मतलब गांव में जैसे अगर 12 घर है ना, 7-8 घर हैं जितने भी हैं, मतलब ज़्यादा घर नहीं है गांव में, तो सब गांव वालों को एक एक दिन करके मिलता है। तो अभी एक आंटी मिली थी मेरे को, तो उन्होंने बताया था कि मेरा ड्यूटी है कल, तो अभी उनसे मिल के आते हैं, ये वाला घर है शायद उनका। ओके गाइस, अपना टेंट लगाते हैं, ठीक है, बाकी ऐसी कुछ लोकेशन है, यहाँ पे हम अपना टेंट लगा रहे हैं, और यहाँ पे भाई हम क्या लगे हुए हैं, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये संतरे हैं शायद ये, चलो संतरे के पेड़ के नीचे आज हम कैंपिंग करेंगे, ठीक है। बाकी ये जिसकी ज़मीन है ना वो ये वाला घर है, तो ये अभी एक भाई साहब थे यहाँ पे, तो उनको बोल दिया है मेरे खाने के लिए भी, तो खाना यहीं बनाएंगे, ठीक है, बाकी मैं इधर रुकूंगा। और दूसरा जो कल हमारा रास्ता है ना ट्रैक, यही रास्ता है, इसी रास्ते से हमको डोंग वैली जाना है, ठीक है, तो अपन यहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं, और कैंपिंग करने के लिए मैंने इनको बोल दिया है, तो एक मैंने इनको बोल दिया भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तो कह रहे कोई बात नहीं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने इनको बोला कि खाना खाऊंगा, मैं आपको खाने के पैसे दूंगा, कह रहे नहीं खाने के पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं खाने के तो पैसे मैं दूंगा, कोई बात नहीं। बाकी कल जाएंगे, जो लेडी हमको लेके जाएगी ना कल, जिसका नंबर है उनसे भी बात कर लिए, तो उनसे बात करिए, वो 500 रुपये बोल रही है कि 500 रुपये लगेंगे एक बंदे के, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कल चलते हैं। आजकल बढ़िया हो रहा है, उजाले उजाले में आपको कैंपिंग देखने को मिल जा रही है मेरी। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे रात के टाइम पे ना वो मिथुन मिथुन आया है, मिथुन आएगा कहीं मेरा चक्रवर्ती ना निकाल दे। भाई ये बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत खट्टा है।